गाइस वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम एनालाइज करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में, दोनों की भर्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, दोनों के घोटालों के बारे में भी चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात दोनों के अध्यक्षों के बारे में भी बात करेंगे। क्या सिमिलैरिटी रही और क्या रीज़न रहा कि दोनों ने, आपको पता होगा कि समय रहते हुए अपने कार्यकाल से काफी वक्त पहले जो है रिजाइन देना पड़ा। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बाकी अपनी राय आप बाद में दीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो यार आपको पता है क्या करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने नकल माफियाओं के हस्तक्षेप के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिससे ये घटनाएं जाहिर करती हैं कि आयोग में अंदर तक नकल माफियाओं की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, जिससे जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी भी जो है इससे जो है व्यथित हो रहे हैं। रिसेंट टाइम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब SSSC पेपर लीक मामला हुआ था तब याद हो जब एस राजू ने अपना इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि कई सफेद पोज में शामिल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो वक्त आने पर वो नाम जाहिर करेंगे, लेकिन भाई साहब चेन्नई एक्सप्रेस से निकल गए चेन्नई और आज तक जो है उनका आता है ना पता है, क्योंकि उत्तराखंड में तो सब कुछ हमेशा लापता रहता है। और रही बात सचिव साहब की, तो उनके ऊपर जो है एक स्पेशल वीडियो हमने कल बनाया है कि क्यों 9 महीनों के बावजूद आयोग ये तय नहीं कर पा रहा है, न्याय विभाग ये तय नहीं कर पा रहा है, कार्मिक विभाग ये तय नहीं कर पा रहा है कि सचिव साहब को नोटिस किस आधार पर दिया जाए, यानी कि उनका सस्पेंशन किस आधार पर किया गया, ये अभी तक विभाग नहीं डिसाइड कर पाया। इसीलिए मैं कहता हूं ये उत्तराखंड है, यहां ना आता ना पता, सब कुछ यहां लापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूदा दौर में हस्तक्षेप का भंडाफोड़ लगातार हुआ है, जिस तरह से बेरोजगार संघ ने भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में मौजूदा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को व्यथित होकर इस्तीफा देना पड़ा है। पिछले साल जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था तो ईमानदार अधिकारी के रूप में काम करने वाले एस राजू को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं इस बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर राकेश कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से आयोग में नकल जो है सिंडिकेट यहां पर लगातार असर कर रहा है। इस असर को बरकरार देखते हुए कहीं ना कहीं आयोग में जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों की पीड़ा को ये दर्शाता है। और शायद अगर सही समय पर सरकार नहीं जागी तो आने वाला भविष्य उत्तराखंड का काफ़ी अंधकारमय होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसको लेकर आपने देखा होगा समय समय पर लगातार जो है बेरोजगार संघ इन्फॉर्मेशन देते रहता है कि अगर चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो चाहे लोक सेवा आयोग में बड़े अधिकारियों की अगर संपत्तियों की जांच की जाए तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आते हैं। चलिए बात करते हैं अध्यक्ष के इस्तीफे से भर्ती प्रक्रिया में कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर तक जड़ें मजबूत हो चुके हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग की जो गतिविधियां और आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, जल्द ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को अध्यक्ष पद का जो है प्रभार दिया जाएगा। लेकिन तब तक आपने देखा होगा कार्यवाहक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं GS राणा जी बनाए गए हैं, कल उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उसके अलावा वहाँ पर उन्होंने बड़ी भर्तियों की जिम्मेदारी ली। इसमें आपने देखा होगा पटवारी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लोअर PCS का आना है, PCS का फाइनल रिजल्ट भी आना बाकी है। तो और उसके अलावा तमाम ऐसे अध्याचन हैं RO के हैं, PCS की नई भर्ती के अध्याचन तमाम अभी भी लटके पड़े हैं, जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थी लैब असिस्टेंट है तमाम और पद जो कि अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर आने वाले थे नहीं आए, तो तमाम चीज़ें अभी हैं। हालांकि सचिव साहब कह तो रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर
अब अगर अगर हम दोनों आयोगों की भर्तियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि इन सभी परीक्षाओं में औसतन एक परीक्षा में 1 से 1.5 लाख अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दी गई है और इस तरह से हाल में लोक सेवा आयोग द्वारा 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा दिलवाई गई है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग में प्रयोगशाला सहायक के अलावा कुछ 2-3 छोटी भर्तियों को लेकर विज्ञापन की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा है कि लोक सेवा आयोग प्रयोगशाला सहायक के अलावा कुछ 2-3 छोटी भर्तियों को लेकर विज्ञापन की तय कर रहा है। वहीं लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो परीक्षाएं लगातार करवाई जा रही हैं और आपने देखा होगा समय समय पर रिसेंट अपडेट हम आपको लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की देते रहते हैं। अगर बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार कार्रवाई की जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी इसको लेकर लोक सेवा आयोग पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो भर्तियाँ होती हैं अधियाचन आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में मुख्यमंत्री के द्वारा सचिव के द्वारा लगातार जो डिपार्टमेंट है उनको पिनअप किया जाता है कि आप अधियाचन भेजें और वो जल्दीबाजी में अधियाचन भेजते हैं और अधियाचन भेजने और आयोग पहुँचने लगातार उनका फाइनलाइजेशन होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि 1-1.5-2 साल तक लग जाते हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आपको SI भर्ती को लेकर होगा। SI भर्ती जो लगातार आनी थी काफ़ी पहले ही उसको अध्याचन बार बार वापस गया, दिव्यांगजन के आरक्षण को लेकर गया, उसके बाद उसके सिलेबस को लेकर गया, उसके बाद उसके एज को लेकर गया, तमाम चीज़ें लटकी हुई हैं अभी तक। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो है दोनों आयोग यहाँ पर हैं। वहीं अगर बात अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की करें तो पूरी तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बदल कर रख दिया गया है, चाहे वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हों, चाहे वो अध्यक्ष साहब हों, चाहे वो सचिव साहब हों, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही सारा का सारा भंडाफोड़ यहाँ पर सामने आया था और उसको लेकर आपने देखा होगा जो सचिव हैं इसमें तत्काल के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक लंबी एक्सरसाइज के बाद आयोग में बड़े परिवर्तन हुए हैं। अब आयोग की सारी व्यवस्थाएं बदल दी गई हैं जिसके बाद अब आयोग में किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा जब SSSC पेपर लीक भांडा फोड़ हुआ था उसमें काफ़ी चीज़ें आयोग के अंदर से हुई थी, इसी तरह से लोक सेवा आयोग में हुई थी। हालांकि यहां पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो है शासन को पत्र भेज दिया गया है आयोग परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से और सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार है। यानी कि यहाँ पर नई भर्तियाँ हालांकि के लिए आयोग तैयार बैठा है लेकिन रिसेंट टाइम में सचिवालय रक्षक का कल ही रिजल्ट आया हुआ है, फाइनल रिजल्ट। 1 महीने के अंदर आयोग ने ये पूरी भर्ती जो है क्लियर कर दिए। अगर इस तरह से आयोग लगातार काम करता रहेगा तो एक बानगी जो है भविष्य में स्थापित हो सकती है। और रिसेंट टाइम में बंदरोगा का रिजल्ट आने वाला है, 10 दिन के अंदर कहा गया है आंसर की आ गई है, प्रत्यावेदन चल रहे हैं। तो जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी लगातार काम कर रहा है नई भर्तियों को लेकर, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किया गया स्थानांतरित। जो 23 ऐसी भर्तियाँ हुई थी उनको लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया था, कुछ परीक्षाएँ उसके बाद रद्द कर दी गई थी। कुछ पर में आपने देखा होगा कि पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था जिसके कारण जो है आयोग के ऊपर एक लंबा जो है क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि वाकई में क्या अब चीज़ें पटरी पर वापस आ रही हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि भर्तियों के मुकाबले और जिस तरह से पेपर रिसेंट टाइम में हुए हैं आयोग धीरे 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 पटरी पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। लोक सेवा आयोग को एक झटका इससे लगा है क्योंकि काफ़ी सही और सुचारू रूप से चीज़ें चल रही थी लेकिन अचानक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल उठता है, शासन स्तर पर भी सवाल उठता है। हालांकि आनंद फानन में जो है कार्यवाहक अध्यक्ष चुन ले गए, उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जो है चर्चा हुई आने वाले भर्तियों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बेरोजगार संघ लगातार सवाल उठाता है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर हो चाहे वो लोक सेवा आयोग के ऊपर हो। अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नज़र आते हैं लेकिन पूर्ण तरह से संतुष्ट नज़र नहीं आते। उनके तमाम सवाल रहते हैं रिजल्ट्स को लेकर, किस तरह से कार्रवाई की जाती है, तमाम तरह के क्वेश्चन लगातार उठ रहते हैं। और ये जिम्मेदारी अब लोक सेवा आयोग हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उनके अध्यक्षों की बनती है, सरकार की बनती है कि एक स्वच्छ सुचारू रूप से और शुचिता बरतते हुए चीज़ों को अपनाए और उत्तराखंड के तमाम जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके मन में कोई शंका ना रहे, कल के दिन कोई भी अभ्यर्थी पेपर देने जाए तो वो उसको लगे कि हाँ उसके मेहनत का फल उसके
मिल रहा है। तो ये रही कंपैरिजन रही लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीच में जो रिसेंट टाइम हुई है। आने वाली भर्तियां लोक सेवा आयोग से भी हैं, जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी हैं। तो अपनी तैयारियां आप भरपूर रखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, बाकी आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।